नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बेसन गट्टा पनीर की सब्जी। ये बेसन में हमारा पनीर डाल के बनता है और ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है। एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। ये राजस्थान में बहुत फेमस सब्जी है। शादी ब्याह सब चीज़ में ये सब्जी बनती है। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना, बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पर काजू हैं, बादाम हैं और नारियल के दो टुकड़े हैं, लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्च हैं और प्याज है मीडियम साइज़ का। हमने इनको मस्टर्ड ऑयल में गरम करके तेल सारे मसाले डाल दिए हैं। प्याज हरी मिर्च सब हमने डाल दिए। हरी मिर्च को देखिए हमने बीच में से तोड़ लिया है कि ये हमारे ऊपर छटक के ना आए। अब हमें इन्हें हल्की आँच पर भून लेना है 5 से 6 मिनट। हल्का सा बस ये अपना कलर चेंज कर ले। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने काट के अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमें बहुत देर नहीं करना है, बस इसका कच्चापन हमें निकालना है। यहाँ पर हमने हल्का सा नमक डाल दिया है जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। और प्लीज़ ये सब्ज़ी एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी है। करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ में आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी है कि आप बार बार इसको खाएँगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालना है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च और हल्की सी हींग डाली है। यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी डाली और यहाँ पर हमने जीरा डाला है। हमने 1.5 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमें इन्हें मिला लेना है, सारे मसाले जो हमने डाले इनको हमें मिला लेना है। हमें इनका एक टाइट डो लगाना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसका डो लगाना है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। हमें पानी बिल्कुल हल्का हल्का डालना है, एक बार में पानी नहीं डालना है। पानी की छिट्टी ही डाल डाल के हमें बेसन का डो लगाना है, नहीं तो बेसन हमारा बहुत पतला हो जाएगा। ये देखिए अगर आपके हाथ में चिपकता है तो आप रिफाइंड तेल जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं आप वो हाथ में लगा सकते हैं। मैंने 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया है। यहाँ देखिए पनीर मैंने ली है, पनीर को हमने अच्छे से हाथ से मैश कर लिया। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। ये हमारा 100 ग्राम पनीर है। हम जितना हमने बेसन लिया है उसके लिए 100 ग्राम पनीर काफ़ी था, तो हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। यहाँ पर देखिए काली मिर्च पाउडर है, आप चाहे तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। स्वाद के अनुसार नमक है, नमक भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बाकी चीज़ में भी नमक रहेगा, तो नमक भी इसमें हमें हार्ड नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बिगर मसालों के बनाया है, काफ़ी अच्छा बनता है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 छन्नी ली है स्टील की, उसमें मैंने ग्रीस कर लिया है और भगोने के ऊपर रख दिया है। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने ये अपना डो हटा के देखा है बेसन का ढक्कन, तो ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और देखिए डो हमारा बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है, हमें बिल्कुल इसी तरीके का डो चाहिए था। यहाँ पर पनीर की हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से हम बॉल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8 या 7 बॉल बना ली है इसकी, ये देखिए इस तरीके से। और बेसन भी हमने इसी तरीके से 6-7 इनकी बॉल्स बना के हमें हल्के हाथों से इनकी एक लोई बनानी है, फैला लेना है हाथ से इस तरीके से। और हमें जो पनीर के हमने बॉल्स बनाए हैं वो हमें इस तरीके से इसमें बेसन में फिल कर देना है। ये देखिए हल्के हाथ से करिएगा, ये बेसन फटता नहीं है, आप निश्चिंत होकर बनाइए। और अगर आपके हाथ में बेसन चिपक रहा है तो आप हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से चकली बना लेनी है हमें, और हमें हल्के हाथ से इनको दबा देना है जिससे हमारे पनीर अच्छे से सेट हो जाए अंदर। और ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, आप आराम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका था, तो हमने जो बेसन गट्टे तैयार किए हैं वो हमने भाप पे रख दिए, यानी कि छन्नी पे हमने रख के इनको 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से पका लिया है। ये देखिए हमारे पनीर गट्टे बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं और ये चपक भी नहीं रहे थे क्योंकि हमने छन्नी पे ऑयल पहले से लगा रखा था, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल और 2 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच जीरा। जो मैंने आपको लहसुन और अदरक का पेस्ट दिखाया था वो देखिए मैंने इसमें
डाल दिया है। मेरा पेस्ट काफ़ी ज़्यादा बन गया था तो मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने और सब्जी के लिए बचा लिया है। तो हमें इन मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ये मसाले हमारे पहले से पके हुए थे। तो चलिए इसमें अब हम डालते हैं और मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं। यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक मैंने स्वाद के अनुसार लिया है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए मसाले हमारे पक रहे हैं, इस तरीके से मेरे मसाले बन के हो गए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप छोटा दूध लिया है, ये छोटा कप है, नाप से बोलूँ तो ये 50 ग्राम दूध होएगा। हमें दूध एक बार में डाल देना है, ये दूध गर्म था तो फटने का कोई चांस नहीं था। फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट हमें ग्रेवी में नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारे दूध फट जाएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से दूध डाल दिया है। अब ये 5 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा है तो ये बहुत अच्छे से हमारे मसाले पक के तैयार हो चुके हैं और इनमें इतना सौंधापन आ रहा था, जो हमने गरी डाली थी और काजू जो डाले हैं उनका इतना सौंधापन मसाले में आ रहा था। तो एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। करवा चौथ आ रहा है, इतना बड़ा त्यौहार है तो एक बार आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए जो हमने गट्टे तैयार किए थे उनको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। आप चाहें तो इनके बॉल्स भी बना के डाल सकते हैं लेकिन मैंने इनको इस तरीके से काटा है। तो देखिए हमारे बेसन पनीर गट्टे बनकर इस तरीके से तैयार हो गए हैं। ग्रेवी मैंने गाढ़ी रखी है, बहुत पतली नहीं रखी है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली या गाढ़ी, जैसे भी आप पसंद करते हैं। मैंने बहुत पतली ग्रेवी का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें यहाँ पर इसको रोटी के साथ खाना था, रोटी नान के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हमारी पनीर गट्टा बनके तैयार हो गई। वीडियो फुल वॉच करने के आप सब लोगों का धन्यवाद।